तो सबसे पहले हमको चल मैं करते जा रहा हूँ, देखते जाना इसमें, क्योंकि समझाने लायक कुछ है नहीं। फिर भी मैं बता देता हूँ, पानी को स्प्रेड करना है पेपर में कुछ एक आध जगह पे, सब जगह नहीं करना है। जैसे कि अब चिड़िया बैठी है, सॉरी ये बटरफ्लाई बैठी है, तो नीचे वाले एरिया में थोड़ा सा कर लेते हैं ऐसा। और जो बटरफ्लाई का जो पंख है ना, उसके शेप का थोड़ा सा पानी स्प्रेड करना, ठीक है, ताकि जब कलर करे तो वो उसमें फैल जाए। फिर से पानी लेके उसी के ऊपर ऑरेंज, और फिर ब्रश को वॉश करना इतना करने के बाद, और फिर पानी लेके इसको ऐसे स्प्रेड करना है ताकि वो मिक्स हो जाए उसमें, ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से। फिर इसको वॉश कर लेंगे और कॉर्नर कॉर्नर से इसको हल्का सा ऐसे स्प्रेड कर देंगे। फिर इसको ड्रायर से सुखा देंगे, बस हो गया। अब तेरे को लग रहा है कि कम हो गया है ना, तो इसको और स्प्रेड कर दे, तो पानी लेके ऐसे स्प्रेड करते जाए इस टाइप का, उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमको एट द एंड बीच में तितली बनाना है, बस कॉर्नर कॉर्नर पे ऐसा फेड भी हो जाए ना, ऐसा फैला दे, उसे कुछ नहीं होगा, ये इस टाइप का। तेरा पेपर कलर को एकदम ड्राई तो नहीं कर रहा है ना? हाँ, इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, तितली बनाएंगे। अगर तितली में कलर कम भी हो गया तो हम उसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेरा एकदम सूख के ना एकदम से फेड हो गया इधर का, तो बाद में भी ऐड कर देंगे। अगर तेरे तेरे में भी ऐसा हो रहा है तो टेंशन मत लेना, ठीक है। अब एक बार पेंसिल से मैं आउटलाइन बनाता हूँ, फिर हम उसमें कलर से आउटलाइन करेंगे। चलेगा चलेगा, कुछ नहीं होता उससे। तितली का शेप ऐसा टेढ़ा रहेगा, ठीक है, इसका बॉडी एक स्ट्रेट लाइन खींच लो ऐसा रफ, एकदम हल्का सा। फिर यहाँ पे हम बनाएंगे उसका हेड, एकदम छोटा भी मत बनाना, थोड़ा बड़ा सा बनाना। ये रहेगा उसका पैर, ये रहेगा उसका बॉडी, यहाँ पे भी उसके पैर बन जाएंगे, और यहाँ से ये ऐसा उसका एंटीना निकला रहेगा। अब बनाएंगे इसके विंग्स। मैं एक बार अभी हल्का हल्का बना रहा हूँ, देखो शायद दिखेगा नहीं, जब मैं कलर करूँगा ना तो देखो अच्छे से क्लियर विजिबल हो जाएगा, तो थोड़ा सा रुक लेना, पहले देख लेना, उसके बाद फिर यहाँ से शुरू करते हैं। इसके बाद अपन हॉर्स वाला पेंटिंग करेंगे, ठीक है, जितने एनिमल्स है सारे कवर कर लेंगे। थोड़ा सा इसको मैं मोटा बना देता हूँ ऐसा, और दूसरा विंग्स बनेगा यहाँ से। और इसका अंदर का डिटेलिंग भी कर देता हूँ, ताकि कलर करते टाइम मैं सीधा जहाँ जहाँ पे मैंने आउटलाइन किया वहीं वहीं पे चलाऊँगा ये ऐसा। आउटलाइन अभी से मत करना तू, वरना बिगाड़ देगी, फिर बोलेगी कि अच्छे से सिखाया नहीं। अभी रुक जाना मत कर, पहले मेरे को कलर से करने दे, ताकि तेरे को अच्छे से दिखे कि कहाँ कहाँ पे क्या है। मैं नहीं चाहता ना कि कुछ मिस्टेक हो जाए।
लेट मी स्टार्ट। एनीवेज अब हम शुरू करते हैं इसके विंग्स से। हाँ तो आधे बीच से मैंने शुरू किया ना। उसका मेन टॉपिक ये था कि बच्चों को कभी भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए किसी चीज को करने के लिए। मतलब वो जैसे उनको जज करते हैं परसेंटेज वाइज ग्रेड वाइज अब मेरे को ही ले लो लाइव एग्जांपल। कहां से कहां नहीं गया और एट द एंड मैं क्या कर रहा हूं अभी। हार्ड वर्किंग है तो हो जाता। तब डेंटिस्ट की प्रोफेशन अच्छा था, बुरा नहीं था। जरूरी नहीं कि उन लोगों को करना चाहिए बट बुरा ऑप्शन नहीं था ये भी बोल। के पास अच्छा मौका रहता है ना अपने आर्टिस्टिक को दिखाने के लिए। हाँ तो लोग ये सोचते डेंटिस्ट को इतना पैसा क्यों देते हैं करके, जबकि इसमें इंजीनियरिंग भी रहती है आर्ट भी रहता है और मेडिकल नॉलेज तो होना ही चाहिए, वो तो खैर जरूरी भी है बट ये दो चीजें भी उसमें इंक्लूडेड रहता है। और लोग प्रेफर करते हैं बट जो लोग ऐसे ही बिना डिग्री के ट्रीटमेंट करते हैं लोगों को बना के दे देते हैं। पैसा देने के लिए तब तुम्हारा वो 100-200 रुपए मायने नहीं रखता, लेकिन आपको 2000-4000 देना पड़े तो बहुत मायने रखता है। बट इंडिया में दांत को कहां सीरियसली लिया जाता है, कोई सीरियसली नहीं लेता है जबकि दांतों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इसका कनेक्शन हार्ट से भी रहता है ना, ऐसा एस्थेटिक पर्पस के लिए नहीं। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा जो ट्रीटमेंट था वो एस्थेटिक पर्पस के लिए ही था मेन अगर देखा जाए तो, क्योंकि मेरे को इतना कोई भयानक तकलीफ तो था नहीं कि मेरे को दांत निकलवाने पड़े। हाँ लेकिन लोगों के कंडीशंस बहुत खराब रहते हैं दांत। हाँ जैसे कि मसूड़ों में तकलीफ रहता है। आम लैंग्वेज में पायरिया बोलते हैं। हाँ जो अपन एडोनटाइटिस तो वो सब चीजें लोग प्रिफर भी नहीं करते हैं कि उसका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। उन लोग क्या करते हैं नीम का दतून लेते हैं घिस देते हैं। ये तो कुछ नहीं है, अरे कौन तो मिला था वो बोलता है कि सब चीज का एक इलाज है गुड़ाखू दबा लो ठीक हो जाता है। और बोला फिर उसके बाद कुछ साल के बाद तेरा पूरा दांत भी झड़ जाएगा। अरे वैसे लोग कॉलेज में मिले हैं जबकि तो क्या मतलब दिया तुम्हारा एजुकेटेड होने का, क्या मतलब दिया तुम एजुकेशन एजुकेशन बोलते हो क्यों, डिग्री बोलते क्यों हो। और दीदी के लिए जब ऐसा वो प्रैक्टिकल के लिए पेशेंट वगैरह नहीं जुगाड़ना पड़ता था तो मैं इधर उधर पता करने जाता था कि कोई मिल जाए, तो वो लोग भी वैसी एक तो पैसा क्या चीज कोई ट्रीटमेंट करवाने के लिए रेडी नहीं होता। हाँ तो वो लोग वैसी एक्सक्यूज देते थे हम ठीक कर लेते हैं हमें नहीं लगे जरूरत। सब चीज फ्री है करके लोग आते हैं
ठीक है, और उसमें भी ट्रीटमेंट बताओ तो ट्रीटमेंट भी नहीं करवाते हैं, बोलते हैं दवाई दे दो हम उसमें ठीक हो जाएंगे, जाता है वो कोई सोल्यूशन नहीं होता है, वो किसी टाइप का ट्रीटमेंट नहीं है, दवाई दे दी है दर्द का, वो तो कोई भी दे देगा। अब जैसे कि इस वाले एरिया में ना थोड़ा सा फेड हो गया ना ब्लैक कलर, तो हमको क्या करना है, हल्का सा ब्लैक कलर यहाँ पे अप्लाई करना है, एंड देन एक दूसरे ब्रश को क्या करना, अच्छे से गीला कर लेना और उसी ब्रश को फिर यहाँ पे ऐसा फैला दो, स्प्रेड कर दो, तो ये फैल जाएगा। इसमें हल्का सा ब्लैक और ऐड कर सकते हैं अपन, ये ऐसा थोड़ा सा पानी लेके इसको फैलाते जाओ, तो ये इस टाइप का इफेक्ट आ जाएगा इसमें। और अगर लग रहा है जैसे कि मेरे वाले में ना कलर काफ़ी ज़्यादा सूखने के बाद गायब भी हो गया, दिख नहीं रहा है, जैसे ऑरेंज कलर तो दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कलर लेके हल्का सा यहाँ पे ऐसा ऐसा अप्लाई करो और फिर ब्रश को वॉश कर लो और पानी लेके उसको स्प्रेड कर दो, तो वो फैल जाएगा इस एरिया में। ऑरेंज नहीं दिख रहा, बहुत अगर रेड दिख तो रहा है। उसमें येलो ऐड कर दे इस टाइप का, लिटरली पानी लेके फैलाना है, ठीक है, ये मत सोचना कि मेरे को इस बॉक्स के अंदर ही चाहिए या ऐसा कुछ, सीधा पानी लेके फैलाते जाओ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ, कैसा लग रहा है ये, बस यही है इसमें और कुछ नहीं है, एक हल्का सा बैकग्राउंड के लिए स्प्रेड करना रहता है, और बाकी फिर चाहो तो ब्लैक को भी कहीं पे एक आध जगह पे स्प्रेड कर सकते हैं, जैसे कि नीचे यहाँ पे कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, ये ऐसा यहाँ पे भी ऐसा स्प्रेड कर सकते हैं हल्का सा, मतलब ये इस टाइप का यहाँ पे भी कर देता हूँ। एंड दी एंड, बस इतना ही है, इतना ही सिंपल सा टेक्निक है ये। अगर तेरे को लग रहा है कि तेरे को और फैलाना है तो स्प्रेड कर सकती है, इट्स ऑल अप टू यू, जहाँ पे जो डिज़ाइन देना है। ये टेक्निक में ना कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या बताऊँ, जैसे कैट बनाना है, ठीक है, कोई सा भी कैट, तो हल्का सा एकदम लाइट ग्रे कलर फैला दें, फिर वही सर्कल और वो बिल्ली का शेप दे दे, और फिर जहाँ जहाँ पे देखो लग रहा है कि शेडो दे के डार्क डार्क करना है वो करते जा, जैसे बटरफ्लाई में किए, फैलाए, शेप दे दिए, अब जहाँ जहाँ पे लगा हमने डार्क कर दिया।